सोच रहे हैं कि अब सुबह से हम लगे हुए और अभी भी हम कहाँ पहुँचे हैं, तो अब हम आपको बता सकते हैं कि हम मैंगलोर पहुँचे हैं। और एक कारण है, रॉकी मतलब बहुत ज़्यादा थक गया है, तो ये क्या हो रहा है जी? ये एक बहुत ही खास रेस्टोरेंट है। जैसे ही मैंगलोर में सूरज ढलता है और शाम होती है तो एक खुशबू उठती है हवाओं में, और मैंगलोर के सारे मछली पसंद करने वाले लोग एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। Yes, smells fishy. कोडियाल बेल की तरफ। और कोडियाल बेल में एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट, और इसके बाद से जब भी मैं उस रेस्टोरेंट का नाम लूंगा तू बोलना आए होए। ओके, रेडी? रेडी। हाँ शाम, एक मिनट, एक और। तो उस रेस्टोरेंट का नाम है मछली। ओए होए, आए होए, आए होए। वेरी गुड। अब तू बता क्या बोल रहा था। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि कोडियाल बेल में शारदा विद्यालय रोड पे आपको मिलेगा मछली। आए होए। और यहाँ पे आपको मिलेगी खूब सारी खाने को मछली। आए होए। और जल की रानी होती है मछली। अच्छा चल ना, आप जरा देखो, आप जा रहे हैं अंदर। और ये है वो कारण जिसमें लोग इस जगह को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि ये है मछली। अयो, आए होए, आए होए। थैंक यू। आप याद रखिए, अब तू चुप रहना, आप बोलना अपने मनोमन में, दिल में। तो मछली की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको सी फूड मिलेगा खूब सारा, क्योंकि यहाँ के जो ओनर है मिस्टर विकी, और उनकी फैमिली केटरिंग में है कई सालों से, 35 साल उससे भी ज़्यादा। तो मिस्टर विकी को शौक था बहुत कि अपना कुछ शुरू किया जाए, तो उन्होंने शुरू करी ये जगह। और यहाँ पर खास आपको मिल जाएगा हर किस्म का सी फूड, तो वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको शुरू कर देता हूँ फर्स्ट 3 डिशेज से, उसके बाद हम मयूर सर से पूछेंगे क्या क्या खा रहे हैं वो। तो ये देखिए, ये है ब्यूटीफुल क्रैब घी रोस्ट, बहुत ही प्यार से बनाया गया, बहुत ही डिलीशियस। ये है स्क्विड विद ग्रीन मसाला, यानी हरे मसाले के साथ स्क्विड, और ये पॉम्फ्रेट विद रेड मसाला। तो कलर भी आपके पास 2 है, वैरायटी आपके पास 3 है, खाने आपके पास कई हैं। और आपके पास क्या क्या आप बताइए, मैं जरा बाइट लेके बता दो कैसा है। तो बेसिकली ये जो रेस्टोरेंट है, ये जिन लोगों को एनिमल प्रोटीन एंड स्पेशली सी फूड का शौक है वो यहाँ पे आते हैं। पर अगर अपने वेजिटेरियन दोस्त को साथ ले आते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। आपको मिलेगा यहाँ पे पनीर घी रोस्ट, आपको मिलेगा मशरूम पेपर फ्राई, स्टर फ्राई। हाउ लकी। और यार क्यों मजाक उड़ा रहा है, सॉरी। हाँ, और ये जो है अपने बीन्स, इसका टिंगल टिंगल ऐसे कुछ नाम था, टिंगल मतलब बेसिकली ब्लैक आइड पीस जो है, बीन्स है वो, ये है लिटिल स्टार। यस, टिंगल टिंगल लिटिल स्टार। हाँ, टिंगल टिंगल लिटिल स्टार, मेक्स इट टिंगल ऑल ओवर। और ये बीन्स तोवे, जो गॉड सरस्वत ब्राह्मण्स की स्पेशल दाल है हींग के साथ, और रसम, और थोड़ा सा बटर मिल्क। माय गॉड, ये थोड़ी ये कम आइटम है। हाँ, मेरे लिए तो कम है, इतनी सारी चीजें खा रहे तो। हाँ, देखिए यहाँ पर जब आप आते हैं अपनी ड्रिंक के साथ या शाम को घर पहुँच के, तारू बुताए खाने का बहुत ज़्यादा शौक है लोगों को, इसको बस स्नैक की तरह खाया जाता है। तो बहुत ही टेस्टी फिश है, इसको पूरी की पूरी खाते हैं, सार्डिन टाइप की है। ओहो लवली। क्या टेस्ट है इसमें मछली का। आए होए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है लेडी फिश रवा फ्राई, बहुत ही डेलिकेट और लेडी लाइक फिश है, रवा के साथ इसको फ्राई किया गया, बहुत ही यूनिक और डिलीशियस टेस्ट है इसका। प्रॉन घी रोस्ट बहुत शानदार, प्रॉन कोली वाला, और ये सुरमई तवा फ्राई। तो बहुत ही डिलीशियस टेस्ट है यहाँ पर सी फूड के साथ में आपको मिलता है नीर डोसा। अगर आप फिश थाली ऑर्डर करें शुरू करने के लिए, तो इसमें 2 टाइप की फ़िश करीज आपको मिल जाएंगी। ये है प्रॉन करी, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट फिश करी से, और ये फिश करी के अंदर फिश ये रही। तो ये है आपके बेसिक्स, यानी इतना तो आपको खाना ही पड़ेगा जब आप मछली पे आएंगे। और मेरे पास बोलने की क्षमता नहीं रहेगी, और कुछ डिटेल बताने तो फटाफट बता दे। बेसिकली आप यहाँ पे लंच के लिए आ सकते हैं, उसके बाद थोड़ा ब्रेक होता है, फिर आप यहाँ पे डिनर के लिए आ सकते हैं। सुपर क्लीन जगह, सुपर बिजी, सब कुछ बिल्कुल सिस्टम सेट कर रखा है। आपके आने के 5-10 मिनट बाद ऑर्डर देने के बाद धड़ाधड़ सारी चीजें आ जाएंगी। खूब यहाँ पे टर्न ओवर है, बहुत बिलवड है मैंगलोर के पीपल के लिए ये जगह, तो हम तो हाईली रिकमेंड करते हैं। आप जैसे देखिए, ये तो सो रहे हैं यहाँ पे खाना खा के, लेकिन आप आएंगे जाग जाएंगे, क्योंकि तो ये जो स्पाइसेस हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश स्पाइसेस हैं, वेजिटेरियंस को भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप बोलिए। मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है खाने से आपको बताने के लिए, हाँ, कि मैंगलोर में आप घी रोस्ट खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल चीज़ है। इसके साथ आप मेरी शक्ल देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। घी रोस्ट हाँ, घी रोस्ट क्रैब, क्या स्वीटनेस है इसके अंदर, मीट की क्या शानदार स्पाइसेस की बाइट है,
और घी की जेंटलनेस है, ककून की तरह उसको लपेटे हुए, तो एक बाइट आपको यहाँ से जन्नत ले जाती है। तो याद रखिए, मैंगलोर में आइएगा ज़रूर और खाइएगा ज़रूर, और इस जगह का नाम है मछली। आई होए।